सब आखण मत खेडिए बाजी जिस बाजी विच हरिए ओ जे रब्बा नहीं प्यार तू कीता प्यार कदे ना करिए ते की करिए जे लड़ जल अखियां ते नल पढ़ाई मैनू दूजा तेन कि बारी क्या के अंदर जाके आप कौन जी मैं पछाना नहीं फिरदौस बेगम आपकी बेटर हाफ बहुत ही हसीन लग रही हो लो अगर बोलती ना तो मैंने नहीं पछाना था हाँ हाँ वो तो पता ही है मुझे किधर जा रहे हो अपना मोबाइल लेने जा रहा हूँ साइड टेबल के दराज में रखा है अब नहीं रखा अब मेरे बैग में रखा है क्यों अधे मैसेज पढ़ लिए हैं मैंने बाकी के अधे पढ़वा लिए जो आने वाले मैसेज हैं वो फूफा जी पढ़ेंगे मैं बैठ के सुनूंगी हैं जी जवाद साहब हाँ जी चलो बस शाबाश नीचे जाओ अंदर जनानियां मेकअप कर रही हैं जाओ शाबाश मर गए मर गए हैव अ नाइस डे हुण किथे अप्पा जी इम्तियाज भाई की हाल है किथे हो बड़े दिनों बाद मिले हो सुरैया जी वाल चिट्टे हो गए ने तुम्हारे हां नसरीन तुम्हें भी जुड़ियां पड़ गई आ जाओ कौन है जिन्हें मुड़के मैंने नहीं देखा नेवर माइंड हाय दुर्दाना बड़ी चमको लग रही हो मैंने तो पहचाना ही नहीं हाय पहचाना तो मैंने भी नहीं है कौन तू क्या मतलब रक्षंदा हाय लो ये तो रक्षंदा तू तो पहचानी नहीं जा रही बड़ा अच्छा मेकअप कराया तूने तेरा तो मुंह ही छुप गया कम ऑन कम ऑन कम ऑन बग्गा साहब कम ऑन अल्लाह बख्शे इस हवेली में पहला मुजरा लतीफ और बीबो जी की शादी पर हुआ था 50 साल पुरानी बात है तीफे की बात कर रहा है ना तीफा ना कह यार गुस्सा करता था अब बची और दूसरा मुजरा ये जवाद के पैदा होने पर हुआ वो इसे पैदा होते ही यरकान हो गया मगर मैंने कहा ना भाई ना हो जाए यरकान मुजरा तो जरूर होगा अब बची और तीसरा मुजरा जब इसने मैट्रिक किया तो उस वक्त हुआ मैट्रिक भी इसने थर्ड डिवीजन में किया मगर मैंने कहा ना भाई
वो पहला बच्चा है खगियों का जिसने मैटर किया है, मुजरा कराओ। और चौथा मुजरा इसने एफए किया जब उस वक्त हुआ, और पांचवा मुजरा वो बीए किया था तुमने। नहीं अब्बा जी। लो जी फिर पांचवा मुजरा मैं गलत करा बैठा। अब्बा जी। हाँ नहीं, पांचवा मुजरा जब फवाद पुत्र पैदा हुआ उस वक्त हुआ था। अब्बा जी। हाँ जी। एक मिनट जरा। अब्बा जी। हाँ जी। मेरा मोबाइल पकड़ा गया। तो नया खरीद लो। नहीं अब्बा जी, वो आपकी बहू फिरदौस बेगम के हत्थे चढ़ गया। तो सिम बदल लो। नहीं ना अब्बा जी, उसने मेरे सारे वो वाले मैसेज पढ़ लिए। तो पुत्र जी तुम मेरे वाकिफ ही नहीं हो। अब्बा जी। ओ या कौन है वो मले का लड़का जो मुझे अब्बा जी कह रहा है। हाँ तो क्या बात हो रही थी बगिया। हाँ छठा मुजरा कब हुआ भला? जब फवाद पुत्र ने स्लोली स्लोली चलना शुरू किया। याद है तुम्हें चमो भाई आई थी? हाँ जी चंगी तरह याद है जी। हाय हाय हाय, वो चमो भाई ना मुराद किस तरह वो फवाद के साथ कोट कोट के जफियां लगा रही थी, और मैं सीने पे हाथ मार मार के कह रहा था मेरे यार अब्बा मैं क्यों नहीं छिले च। इसका मतलब है कि अब ये सातवां मुजरा फवाद के एमए पास करने की खुशी में हो रहा है। ये सातवां मुजरा कैंसल हो गया है। बिस्मिल्लाह बीबो जी। क्या हो रहा है वहाँ पे? पहुँच गया वो गुदड़ी का लाल? नहीं रस्ते में, पर लगता है आप रस्ते में नहीं हो। मैंने भाई साहब को बता दिया था बहू कि मैं नहीं आ सकूंगी, बीमार पड़ गई हूँ। वो तो बीपी शूट अप हो जाने पर ही डर गए थे, पर तुम्हें बता रही हूँ बहू कल मैं सारा दिन अस्पताल में रही हूँ। बीबो जी अस्पताल में? नहीं नहीं कौसर, कौसर बंद करो, बंद करो ये सेलिब्रेशंस। ओ अब आप अस्पताल में हो? अब जवाद साहब फूफा जी। ओ हो सुनो तो सही बहू भाई, अस्पताल से आ गई हूँ वापस और ठीक हूँ। अच्छा? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा बस कम ऑन आ नहीं सकती। चलो, नो पापा। चलो शाबाश। ये दस्तूर और जरनिगार से कहा था कि तुम दोनों हो आओ, लेकिन ये कमबख्त मेरे मर जाने के डर से यहीं बैठे रहे। बीबो जी नो प्लीज। तौबा करो बीबो जी, क्यों रंग में भंग डालती हो? हाँ लेकिन रंग में भंग तो डाल दिया ना मैंने, जिसके पाँव पाँव चलने पर पहुँच गई थी, बातें सुनने को दौड़ी आई थी, आज वो एमए करके आ रहा है और मैं यहाँ बीमार बन के बैठ गई हूँ। आप नहीं आई तो वो आएगा ना आपके पास, आपके पैरों को चूमेगा तो एमए कबूल होगा उसका। अच्छा एक सरप्राइज दूं तुझे? बिस्मिल्लाह बीबो जी। इतवार को अमल आ रही है। मैं सदके बीबो जी, अमल भी आ रही है। हाँ बहू तो इतवार को तुम भी पहुँच जाना, बाकी सारी सेलिब्रेशंस यहीं कर लेंगे। मेरी अमल आ रही है तो मैं भी आई। बीबो जी समझो मैं जुत्ती पहन रही हूँ बस। बात कर रणबीर सिंह आ गया। अब्बा जी अब्बा जी क्या बात है? अब्बा जी क्या बात है? छतरा किधर खुल गया? आ जाओ अब्बा जी। भाई साहब को तो देखो कैसे नाच रहे हैं। ताल के पक्के हैं बीबो जी, जहाँ सुर पड़ता है वहीं पैर। तो क्यों नहीं पड़ेगा, जब दोनों मिलकर नाचते थे तो नाचने वालियाँ पानी भरती थी इनका। दोनों कौन बीबो जी? अरे दस्तूर के अब्बा और कौन। Ha 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 ha!
बिस्मिल्लाह। वे 13वीं फेल प्यो दे या 16वीं पास पुत्रा, जब भी डाल के माँ के कलेजे में ठंड डाल दे। इधर आ कौसर, तू कितने खलोती है? मेरा पुत्र फिल्म स्टार रानी लग रहा है। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बट द आंसर इज दिस कि मुझे गरीब गुरबा की तरह डिग्री की कोई जल्दी नहीं थी। यूजुअली पुअर पीपल आर इन हैसल, वो चाहते हैं शाम को पढ़ें सुबह को डिग्री मिल जाए। मतलब कि व्हाट, नो लाइफ नो एंजॉयमेंट, एवरी टाइम बुक से हुक। आप बड़ी अंग्रेजी बोलना शुरू हो गए चोई साहब। अभी तो तुमने मेरी अंग्रेजी सुनी कहा है, अभी तो मैं तुम लोगों का लिहाज कर रहा हूँ शफीक अहमद, वरना लाहौर के एक रेस्टोरेंट में मैंने अंग्रेजी बोली थी, चार अंग्रेज बैठे थे वहाँ, मुड़ के देखा है मेरी तरफ, हैरान जो हो गए होंगे। ओ जाहिर है कोई हैरान होगा तो मुड़ के देखेगा ना। अब जरा उनके बारे में भी बताओ ना चौधरी साहब। किनके बारे में चौधरी साहब? गर्ल्स के बारे में, सुना है बड़ी पोपट लड़कियां पढ़ती हैं वहाँ, क्लास में साथ साथ बैठती हैं और कभी कभी तो टच भी कर लेती हैं। ए कमीना। ओ बताओ जॉय साहब, बताओ बताओ। ओ क्या बताऊं शफीक अहमद, वो लड़कियां नहीं परियां हैं, हाय उड़ती हैं, उड़ के कभी तेरे पास बैठ जाती हैं, कभी इसके पास बैठ जाती हैं, बात बात पे एक्सक्यूज मी कहती हैं, हाफ स्लीव्स, स्लीवलेस एंड समटाइम्स शेमलेस। कईयों ने ट्राई मारी है मुझ पे, पर मैं किसी के हाथ नहीं आया। I said I am not available. ओ ये तो खग्गा साहब की हिम्मत है, वरना आम आदमी तो रह ही जाए। Yes, yes. पता है जो लड़कियां मेरे आसपास बैठती थीं, उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं होता था, छुप छुप कर मेरी तरफ देखती थी। मैंने भी कहा मिल गया मौका तो कर लो मौज। हैं? आपस की बात है, कोई फंसी थी? You think very deep. Excuse me. ओए वेरी डीप क्यों है? गूगल करके देख ले। बीबो जी, सलाम बीबो जी, फवाद स्पीकिंग। बिस्मिल्लाह बीबो जी सदके, एमए कर लिया मेरे लाल ने? नहीं किया बीबो जी, आप नहीं आई तो समझो नहीं हुआ एमए। ओ कड़वा ना बोल, जिसे लतीफ साहब ने घुट्टी दी हो वो कड़वा ना बोले। ना करें बीबो जी, आपका नाम ही लूं तो मुंह मीठा हो जाता है। तो फिर प्रॉमिस कर संडे को आएगा कराची। संडे को क्या है बीबो जी? संडे को अमल आ रही है। अमल? वो बीबो जी अलिफ से अमल? हाँ लाडले, अलिफ से अमल। ओए अमल शफीक अहमद, अलिफ से अमल याद नहीं 8 साल पहले आई थी यहाँ, वही जो बीमार कुत्ते को दवाइयाँ पिलाया करती थी। हाँ याद आ गया, पर जैसा वो कुत्ता तो पिछले साल आपकी गड्डी के नीचे नहीं आके मर गया था? डोंट डिस्कस द डेथ ऑफ द पुअर डॉगी। एक तारे वाले बाबा जी, एक्सक्यूज मी बाबा जी, पछाणा? पछाणा बेटा, तू वही है ना जिसको मैंने बताया था कि 10 साल में होगा तेरा एमए? जी बाबा जी, पूरे 10 साल में हुआ है। आगे बताओ। आगे पूछ, लड़की का बताओ ना, लव मैरिज करना चाहता हूं हीर जैसी लड़की के साथ। हीर मांग रहे कमीनिया? ओए पहले रांझा तो बन के दिखा। बन जाऊंगा बाबा जी, आप आगे बताओ। बनेगा कैसे? रांझा कोई मशीर मिनिस्टर है पुत्र जो दादे की सिफारिश पे बन जाएगा? ये वड्डी पोस्ट है सोनिया, पहले पता ते कर, पूछते सही कि तेरे अंदर इतनी क्वालिफिकेशन है जो रांझा बन सके। किससे पूछूं बाबा जी? हीर साहिबा से पूछ चलिया, कल उनका उर्स मुबारक है, मजार पे जा,
उनसे पूछ। कल तो मैंने कराची जाना है। तो तू कराची जा, फकीरां दे रस्ते च ना। क्या जांगी है वो? जी जी, नहीं तो सीधा सीधा कहना रक्षंदा के घर गए। वो रक्षंदा बीबी के घर नहीं गए, वो तो हीर के मजार पे गए। क्या हीर के मजार? खुदा की कसम। ओ भाई, ओ ये हीर का मजार किधर है? सर ये सामने बैंक है ना, इसके सीधे हाथ की गली में जाके उल्टे हाथ पे टर्न कर ले, सामने ही मजार। ओके ओके। भूख लग रही है? वो आपने कहा था भी रुकेंगे। कम खाया कर शफीक अहमद। तू जाने कोई होर न जाने, अजब ने तेरिया बातां, यार नहीं ते मैं की जाना, इदा ते आइए प्लीज आइए आइए आइए। बीबो जी, हाय मेरी जान, आंखें तो खोलें बीबो जी। ना मेरी लाडली, पहली बार तुम सब के सब टोली बन के आए हो, तो मैं डर गई हूँ अमल। सबों को एक साथ देखूंगी तो नजर लग जाएगी। चलो आगे बढ़ो, अब तुम अगला कौन है? मिया जी। बिस्मिल्ला, भाभी सदके पांव रखिए ना भाई साहब, लतीफ साहब की रूह को चैन मिलेगा। चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम अलैकुम। बिस्मिल्ला। भाभी के रुतबे से ऊपर निकल गई हैं आप। 5 साल बड़ा हुआ आपसे, वरना कह दूं बीबो जी आप मेरी माँ हो। तो कह दीजिए ना भाई साहब, छोटे हो जाएंगे तो मुजरा देखने के लायक हो जाएंगे आप। भाभी को कितना ख्याल है मेरी तमाशबीनी का। वो कहाँ है हमारा एमए पॉलिटिकल साइंस? वो नहीं आया बीबो जी, हीर के मजार पे गया। अरे उसकी शादी नहीं हुई अभी तक। थैंक यू। और मैं सोचती थी कि जब मैं आऊंगी तो हमाद खग्गा को गोद में लेके बैठा होगा। हमाद खग्गा कौन है पुत्र? उसका बेटा होगा तो उसका नाम हमाद खग्गा रखेंगे ना, और क्या। उसने नाम भी बता दिया अब्बा जी। चलो जी पीछे पीछे हो जाओ सारे। हाँ पीछे पीछे हो जाओ जी, खुद कुछ हमलावर आ गई है। इधर आ मेरी शहजादी, बैठ इधर। ये क्या है फिरदौस खाला? ताज है मेरी शहजादी, इधर आ, ये देख। उसको पहनाया था ना तो वो सोना लग रहा था, तुझे पहनाया ताज सोना लग रहा है। एक तस्वीर हो जाए। हाँ। चल भाई पुत्र। हाँ। फिरदौस बेगम साइड पे हो, साइड पे हो। Oh my God!
नहीं कुछ भी खा लूंगी। अच्छा चलें जो भी बना। बेटा इधर आओ। अरे ठंडी लस्सी क्या देख रहे जॉय साहब? यार अम्मी जी ने एक तस्वीर भेजी पर ये नहीं पता किसकी। तो उनको फोन करके पूछ ले कौन है। गुड आइडिया। अस्सलामुअलैकुम अम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू माय फवाद पुत्र? आई एम फाइन अम्मी जी। पर ये बताओ आपने जो तस्वीर भेजी है वो किसकी है? तेरी हीर की। मजाक ना करो अम्मी जी। अच्छा चल ये बता कल हीर के मजार पे कितने बजे पहुंचा था? मैं कोई 5:15 बजे अम्मी जी। तो तेरी हीर भी 5:15 बजे पहुंची थी। हीर कहां पहुंची थी? कराची। कराची पहुंची थी मेरी जान। लंदन का इकोनॉमिक्स पढ़ के आई है। तो ये अमल की तस्वीर है अम्मी जी? हैरान हो गया ना। यस अम्मी जी सो मच। ये तो प्रिटी हो गई है बहुत। तो फिर कर लूं बीबो जी से बात, मांग लो तेरी हीर। ओए ओए ओ फिरदौस बेगम को अकल को हाथ मार, पागल हो गई है, किधर ला रही है मेरे पुत्र नु? आप चुप कर जाओ जवाद साहब, शट अप। ये अब्बा जी क्या कह रहे हैं? अब्बा जी बकवास कर रहे हैं, तू अपनी बात कर। आपको पसंद है तो कर लो बात, मैंने कोई इनकार किया अम्मी जी? अच्छा बस स्यापा ही पाएंगी तो स्यापा ही पाएंगी। बस 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 ज्यादा ना बोलना, अब्बा जी पहले ही डरे। मैं ना बोलना, चुप चुप, उनको ना परेशान करो। बात तो मेरे दिल को लग रही है वोटी। इधर अप्रिशिएट भी कर रहा हूं मगर पता नहीं क्यों डर लग रहा है मुझे। अब्बा जी डर लग रहा है ना तो ना जाए, फिरदौस बेगम के ख्वाब और आइडिये हमेशा पुट्ठे ही निकले। जवाद साहब आपका फिटे हूं और आपके तो सदके जाऊं मैं पुप्पा जी। बेटा ये डायलॉग तुमने पुट्ठा तो नहीं बोल दिया? बीबो जी से डर रहे हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ के जाएं, प्रपोजल सुनकर खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं। लो फोन आ गया फवाद का, उसने तो एक फोटो पर ही हीर मान लिया उसको। आप कहो तो मैं भी आ जाऊं। फवाद पुत्र जाने लगे हैं तेरे दादाजी, होने लगी है बीबो जी से बात। आ जाइए भाई साहब। या अल्लाह खैर। देख रहा है मेरी तरफ? याद है बीबो जी आंखें बंद करने से पहले भी ऐसे ही देख रहा था मुझको और फिर मुझे पास बुला के कहने लगा सारे रिश्तों की डोर तेरे हाथ में छोड़ के जा रहा हूं। सांस टूट जाए मियां खग्गा, डोर ना टूटे। गारंटी देती हूँ भाई साहब, सांस टूट जाएगी इंशाल्लाह, डोर नहीं टूटेगी। डर लगता है ना बीबो जी? डर? डर क्यों लगता है भाई साहब? वक्त बदल गया है ना बीबो जी, क्या पता सेंटीमेंट्स भी बदल गए हो। देखे ना फवाद लाहौर से एमए करके आया है और अपनी अमल इकोनॉमिक्स पढ़ के आई है वलैद से। पढ़ाई बदल गई है तो क्या पता सोच भी बदल गई हो। साफ साफ बात करें ना भाई साहब। नहीं बात कोई ऐसी नहीं है बीबो जी, फवाद को देखता हूं ना तो बदला बदला सा लगता है, किसी वक्त हुक्म नहीं भी मानता, टाल देता है। लाडला है ना? नहीं लाडली तो अमल भी है और फवाद से ज्यादा लाडली है। बात अमल की कर रहे हैं, इम्तिहान मेरा ले रहे हैं, सच क्यों नहीं बोलते भाई साहब? माइंड ना करना बीबो जी, जो आपकी बुड्ढी ने मुझे मुश्किल में डाल दिया है, अमल पे दिल आ गया जे उसका, मुझे कहने लगी कि बीबो जी से जाके अमल को मांग लो। ओ मैंने कहा ठीक है मैं चला जाता हूं मगर
पीबो जी फौरन ही हाँ नहीं कह देंगी? ना कैसे करूंगी भाई साहब? आंखें बंद करने से पहले मुझसे भी कुछ कहा था इन्होंने। कहने लगे, हम मोहब्बत वाले लोग हैं निगतारा, जिसकी मोहब्बत पर ईमान ले आए उसके हुक्म पर जान दे आए। बीबो जी, अमल से भी पूछ लेना चाहिए। पूछिएगा आप भाई साहब, मैं तो हुक्म दूंगी। नहीं बीबो जी, हुक्म उसे कोई नहीं देगा, हम मोहब्बत वाले हैं, दिल की सुनेंगे, हुक्म नहीं सुनाएंगे। क्या हुआ? सांस फूल रहा है आपका मियाँ जी, बुढ़े हो गए आप। बुढ़ा नहीं हो गया, नर्वस हो गया हूँ। नर्वस क्यों? ऐसे ही, तुम ज्यादा पढ़ लिख के आई हो ना, पता नहीं अब तुम हमारी बात माना करोगी या नहीं। आप हुक्म तो करें मियाँ जी, आप कहेंगे ना तो मैं समंदर में कूद जाऊंगी। वैसे भी आप तो मेरे फेवरेट हैं। लंदन में अपनी सब दोस्तों को बताती थी कि मेरे एक मियाँ जी हैं और उनके जैसा कोई नहीं। तुम्हारे जैसा भी कोई नहीं है लाडली, और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, तुम्हारी आंटी भी यही कहती है। और जब से फवाद ने तुम्हारी फोटो देखी है ना, वो भी यही कह रहा है। स्वीट। तुम्हारी आंटी का तुम पे दिल आ गया है। दिल तो फवाद का भी आ गया, मगर मैंने कहा शट अप, पहले मैं अमल बेटी के दिल को तो चेक कर लूं। तो मेरा दिल चेक कर रहे थे आप, इसीलिए कहा कि जॉगिंग पर चलते हैं। आइडिया मेरा नहीं था लाडली, बोटी ने आइडिया दिया, फवाद ने पसंद कर लिया। तुझे नहीं पसंद तो गुस्सा ना कर, चुपके से मेरे कान में कह दे रिजेक्टेड, बाकी मैं सब देख लूंगा। रिजेक्टेड। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो, तशरीफ रखो। बैजा शफीक अहमद। अच्छा जी, तो ये बताओ, सारे पिंड की रोटी करनी हो तो कितनी देके पकाओगे? आगो 100 देंगे चोई साहब। अब आप बताओ, 10 पिंडों में मिठाई बांटनी हो तो कितनी मिठाई बनाओगे? 10 मान। तो बनाओ, बिस्मिल्ला करो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अच्छा ठहरो, मैं जरा अम्मी जी से मशवरा कर लूं। अच्छा ये बताओ, अगर सारे पिंड में खुसरे नचवाने हो तो कितने खुसरे नचवाओगे? जी फवाद पुत्र, 100 देगे और 10 मन मिठाई काफी है ना अम्मी जी? किस लिए पुत्र? वाह वाह अम्मी जी, सेलिब्रेशन नहीं करनी, पिंड वालों को बताना नहीं कि फवाद ने हाँ कर दी? अभी रुक जा मेरे लाल, अभी बात चल रही है, हाँ करेगी तो सेलिब्रेशन करेंगे ना। ले, उसने मेरी फोटो नहीं देखी? वो तो आधी रात तक तेरी वीडियो देखती रही है। तो फिर डर किस बात का अम्मी जी? अच्छा ना उन काला ना ना हो, मैं हाँ करती हूँ मैं बात। वो नाई और हलवाई दोनों को उसने बिठाया हुआ है फूफा जी, आर्डर देना है ना। आप बताएं फूफा जी क्या आर्डर है? रिफ्यूज कर दिया अमल ने। हाय हाय बेड़ा गरक, रिफ्यूज ही कर दिया है। वो की हो गया है? मुंह से आग निकालती है वो, आंखों से चाकू चलाती है, क्या है जो उसके पास ज्यादा और मेरे पास कम देखा है आपने? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बट वाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन? फोटो देखकर मर गए हो, फोटो में होता क्या है? ख्यालात होते हैं, जज्बात होते हैं, दिल मौजूद होता है, प्यार महसूस होता है। नहीं बस शक्ल देखी है, तो शक्ल मेरी नहीं देखी,
नहीं, मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ, इन फ्रंट ऑफ यू। आंखें देखो मेरी, खोल के बंद करूं तो पूरे फवाद को आंखों में छुपा लेती हूँ। नहीं नहीं दुर्दाना, तू बहुत सोनी है। नहीं सोनी हूँ तो सोनी किस काम की? आप तो जनाब छोड़ के समंदर पे जा रहे हो। आई एम सॉरी दुर्दाना। सॉरी फॉर व्हाट? आई एम नॉट अवेलेबल। प्यार हो गया उससे? आई थिंक सो। एक बार फिर सोच लो फवाद साहब। क्या सोच लूं? दिल तोड़कर किसी और से जुड़ जाओ ना तो जरा सवाब नहीं होना। यू आर राइट दुर्दाना, बट जब प्यार हो जाए तो दूसरे के प्रपोजल का हाँ में जवाब नहीं होता। यस ना को फवाद साहब, नो कहने की वजह तो बताओ। कह दो कि दुर्दाना तू अमल जितनी सोनी नहीं है। तू सोनी है दुर्दाना, बहुत सोनी, पर जिससे प्यार हो जाए उसको कहते हैं वो सबसे सोनी। लग गए नहीं सी दर्द अंजदे चिंजदे तू ला गया, रोई नहीं सी अख कदी पर तू रुला गया। चंगा फिर दोस्ता, चंगा फिर दोस्ता, चंगा फिर रब रखा तेरा। मैंने इनकार कर दिया बीबू जी, आप जानती हैं मैं फ्यूडल माइंडसेट को अच्छा नहीं समझती, तो फिर किसी फ्यूडल से शादी कैसे कर सकती हूँ? वीडियो पर मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री उठाकर फैसलाबाद में होने वाला तमाशा देखा, देखकर हंसती रही, तालियां बजाती रही। मैं बस यही कर सकती थी बीबू जी, उससे शादी नहीं कर सकती। और कोई बात? एक और बात बीबू जी, दो लोगों में बात करने और बात समझने के लिए जबान बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मुझे तो मियाँ जी की आधी बातें समझ नहीं आती, उसको क्या समझूंगी? खैर समझना चाहो तो तुम अंग्रेजों की बात भी समझ लेते हो और फरफर बोलने भी लगते हो, इसलिए तुम अपने इरादों की बात करो, जुबान को बीच में मत लाओ। बिलीव मी बीबू जी, मैं मियाँ जी और उनकी फैमिली से उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी आप उनसे करती हैं। तुम अपनी बात करो, हम सादा लोगों से मुकाबला क्यों करती हो? हम मोहब्बत वाले हैं, मोहब्बत कर लें तो ईमान ले आते हैं। आप मुझे डरा रही हैं बीबू जी। मैं तो खुद डर रही हूँ अमल, डर रही हूँ कि पुराने रिश्तों की डोर तेरे पाँव में उलझ कर टूट गई तो मुल्क इस मर्तबा जुबान की बुनियाद पर तकसीम ना हो जाए। जी अम्मी जी। ये क्या कर रही हैं अम्मी जी? मजाक किया था ना तुमसे। कब किया था? सवेरे। याद नहीं जब तुझसे कहा था कि अमल से तेरी शादी की बात करने लगी हूँ? हाँ जी। तो मजाक कर रही थी ना तुमसे, मशगूला लगा रही थी तुम्हारा। क्यों अम्मी जी? मेरे सोनिया पुत्रा, हीर तुझे कराची में कहाँ से मिलेगी? पंजाब की चीज है तो पंजाब में ही मिलेगी ना। चल मोहब्बतें इंपोर्ट ना कर, अब रखते फोन। हाँ हैव अ नाइस डे। हैं Thank you.
बीबो जी दवाई ले लीजिए। किसी और से मोहब्बत करती है क्या? नहीं बीबो जी, ऐसी तो कोई बात नहीं कही उसने मुझसे। तो फिर उनके जाने पर इतनी खुश क्यों है? और ये कमबख्त पैर उसके जमीन पर क्यों नहीं लग रहे? नाम क्या है उसका? किसका बीबू जी? जिसके लिए पांव दबा रही हो, बताओ ना बेटा। तुम जैसी कईयों को पालकर 75 साल की हुई हो, करता क्या है? इंग्लैंड में पढ़ता था मेरे साथ। मोहब्बत हो गई? मोहब्बत नहीं बीबो जी, अंडरस्टैंडिंग। हट। मोहब्बत में तो आजकल बहुत कुछ हुआ करता है, ये अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है भाई? अच्छा उसका हसब नसब तो बताओ मुझे। हसब नसब आजकल कौन पूछता है बीबो जी? क्यों, ड्रेस खरीदने जाती हो तो उसका ब्रांड पूछती हो ना? तो हसब नसब लड़के का ब्रांड होता है, उनसे कहो आकर मुझसे मिल लें, ब्रांड का मैं खुद पता कर लूँगी। उसके अम्मी अब्बा यहाँ नहीं रहते। तो कहाँ हैं? वहीं इंग्लैंड में। तो क्या हुआ उन्हें, कहो आ जाएं। दोनों में से कोई एक आएगा बस। दूसरा क्यों नहीं? दोनों में डिवोर्स हो चुकी है। अच्छा तो अपनी अम्मी के पास रहता है वो? नहीं, माँ ने दूसरी शादी कर ली है। तो यूँ कहो ना वो अपने बाप के पास रहता है। नहीं, अलहदा अपार्टमेंट में रहता है। उसके अब्बा ने भी शादी कर ली तो उसे लगा कि उसे अकेला रहना चाहिए। और तुम्हें क्या लगा? मुझे? तुम्हें डर नहीं लगा बेटा? अरे फवाद, कब आए तुम? सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। दस्तूर जरा बाहर आए, देखिए कौन आया है। फवाद? अरे फवाद भैया, बताया नहीं यार। सरप्राइज दिया है ना। अच्छा, सरप्राइज मिला है तो सरप्राइज दिया है ना। अच्छा तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। फरहान बहुत नाराज है तुमसे, तुम खुद ही निपटो, से मैं भेजता हूँ। फरहान, ओ मोटू। दस्तूर, मोटू ना का। हाय। हाय फवाद साहब, कैसे हैं आप? उस दिन वीडियो देखी थी मैंने आपकी, एमए पॉलिटिकल साइंस वाली। क्या दूल्हा लग रहे थे आप। दूल्हा नहीं लग रहा था, बेवकूफ लग रहा था। अरे नहीं नहीं, आप तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, पर सुना है उसकी वजह से मैं आपको अच्छा नहीं लगा। फोन, मिलते हैं खाने पे। फवाद भाई। ओए। हेलो, आई एम हियर। थैंक गॉड यू आर हियर फाइनली। कल मिलते हैं। अरे कल क्यों, अभी क्यों नहीं, आई एम जस्ट कमिंग टू यू। वो आ गया है ना। वो कौन? दिल ने कहा था कि आज आओगे तुम। तो मैं क्या करता बीबू जी, आपसे भी तो बात संभाली नहीं गई, और मियाँ जी ने भी कह दिया, आई एम सॉरी फवाद। तो तुम क्या कर लोगे फवाद खग्गा, तुम जानते नहीं हो उसे। बात कर ले तो अड़ जाती है, और फैसला कर ले तो पत्थर पर लिख देती। आप मुझे इजी ले रहे हो बीबू जी, मैं भी फैसलाबाद से बाजी हारने नहीं आया। जीत कर जाऊंगा या फिर जीत कर दिखाऊंगा। अच्छा जीत गए तो मान लूंगी कि तुमने एमए पॉलिटिक्स किया है। लंबा तड़ंगा, इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं उसके मुंह पे, मैं तो डरी गई थी। खुदा ना खास्ता अगर मेरी इससे शादी हो जाती तो खुद सोचो, कहीं किससे बात करी होती तो पूछता किससे बात करी हो, कहीं जा रही होती तो पूछता कहाँ जा रही हो। यू नो, नहीं पूछूंगा, बात करोगी तो कहूंगा
प्यारी बात कर रही हो। वासे लेट मी कॉल यू बैक। खग्गा साहब आप खाना नहीं खा रहे? खाना खाने नहीं आया, अपना केस पुट अप करने आया हूँ। केस मतलब? जिस दिन 5:15 बजे आप कराची एयरपोर्ट पे पहुंची थी, उसी दिन 5:15 बजे मैं हीर के मजार पे पहुंचा था। तो मार्फत की बात है, मार्फत में होती है मोहब्बत और मोहब्बत में टाइमिंग्स होती हैं अमल साहिबा। तो आपका ख्याल है कि मुझे आपसे मोहब्बत हो जानी चाहिए? आपको लगता है नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। तो हो जाएगी, अब मैं आ गया हूं ना, मोहब्बत करा के ही जाऊंगा। अरे वाह, इस तरह हो जाती है मोहब्बत? इस तरह इनकार भी तो नहीं होता। ये सारा कॉन्फिडेंस आपको बीबो जी ने दिया है ना? बीबो जी ने तो बस दुआ दी है, कॉन्फिडेंस तो मैं फैसलाबाद से लेकर आया। आप करेंगे क्या खग्गा साहब? जिससे शादी करने वाली हूं बीबो जी ने उससे बात भी कर ली है, और बीबो जी अच्छी तरह जानती हैं कि जो अमल ने कह दिया सो कह दिया। अब तो जान गए ना आप? अब मान गया हूं मैं। मार्फत में अब मोहब्बत नहीं रही, मोहब्बत में टाइमिंग्स नहीं रही। वोटी नमाज पढ़ रही है और जवाद तस्बीह फेर रहा है। आप बताएं बीबो जी, फवाद क्या कर रहा है? वो मुंह फुलाए बैठा है लॉन में। तो फिर जवाद से कहूं कि 1000 दानियों वाली तस्बीह शुरू कर दे। लगता है उसको अपना केस पुट अप करना नहीं आया। नहीं बीबो जी, उस कमीने को तरला करना नहीं आया। उस देसी टीपू सुल्तान से कहा था कि मुझे नीवी करके बात करना। वो पूछेंगे कि तुम्हारे पेरेंट्स ने लव मैरिज की थी तो फिर डिवोर्स क्यों हुई? क्या जवाब है तुम्हारे पास? भाई वो मुझसे क्यों पूछेंगी, मम्मी पापा से पूछे ना। एंड शी शुड नो कि जहाँ शादी होती है वहाँ डिवोर्स भी होती है। वो कहती है मोहब्बत में डिवोर्स नहीं होती, लोग बिछड़ नहीं सकते, मर जाएं तो मर नहीं सकते। वाओ, इज योर पोएटिस। मोहब्बत के मजहब की है वो, उनका बिलीफ है अगर मोहब्बत पर ईमान ले आओ तो उसके लिए जान दे आओ। आ जाओ। मैं जा रहा हूँ बीबो जी। बस मेरे लाडले, हार गया? जी बीबो जी, उसने किसी और का नाम लिया तो लगा मैं हार जाऊंगा। आज वो उससे मिलने चली गई तो यकीन हो गया कि मैं हार गया हूं। तो ठीक है लाडले, तू हार गया तो चला जा। तो तुम उनको क्या बताओगे? यार मैं यही कहूंगा कि अगर मुझसे तब प्रॉब्लम हो रहा है तो अमल की शादी उस फ्यूडल लॉर्ड से कर दें, व्हाट्स हिज नेम, क्या नाम है उसका, जो भी है वो। एक मिनट। हेलो। हेलो, कौन? फवाद खग्गा है। फवाद खग्गा नाम है उसका। जी फवाद खग्गा साहब, यू मस्ट बी ऑन योर वे बैक। आज आप जा रहे हैं ना वापस? नहीं मैं जा नहीं रहा, आपसे मिलने आ रहा हूँ। अब क्यों मिलने? ऐसे ही हाय हेलो करूँगा, जाते हुए उससे भी मिल लूंगा जिसके लिए पत्थर पे फैसले लिखती हैं आप। आर यू सीरियस? डर रही हैं आप? मैं किसी से नहीं डरती। फिर हो जाए जाने से पहले एक मुलाकात। न्यूयॉर्क चीज के। श्योर। थैंक यू। आ जाइए। थैंक यू। आप उधर क्या देख रहे हैं? उस लड़के को देख रहा हूँ। आपने इसका तारुफ नहीं कराया। दोस्त है मेरा, लंदन में पढ़ता था मेरे साथ। पढ़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई?
खत्म हो गई, डिग्री भी ले ली। तो डिग्री के साथ ये भी मिला? सॉरी बट हम अपनी बात कर लें। प्लीज। आपने बात करनी थी ना फवाद साहब। नाम क्या है इसका? वासे। He is so handsome. पर मेरी बारी आई तो आपने शादी से इनकार ही कर दिया। I'm sorry, but मैं you know सच बताऊं, मैं फैसलाबाद से यहाँ आपका इनकार सुनने नहीं आया था। तो फिर क्या करने आए हैं? आपके इनकार को चैलेंज करने आया था। कैसे चैलेंज करेंगे? हीर से हीर मांगी थी मैंने, कुछ भी कर जाऊंगा, पर आपको खेड़ों की डोली में बैठने नहीं दूंगा। ये आप क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? मोहब्बत होने से पहले बहुत समझदार था मैं, एमए पॉलिटिकल साइंस किया था मैंने, पर जब से मोहब्बत हुई है बच्चा हो गया। बच्चे करते हैं सच्ची मोहब्बत, बड़ों को तो समझ ही नहीं आती। आपके और मेरे खानदान के बीच 100 साल पुराना रिश्ता है। मुझे लग रहा है कि आपकी या मेरी बेवकूफी की वजह से रिश्ता टूट जाएगा। मेरी बेवकूफी बताओ। कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। अपनी बेवकूफी बताओ। कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं वासे से शादी कर रही हूं। वासे को यहां बुलाओ प्लीज। वासे, कैन यू कम हियर प्लीज? व्हाट्स अप? मैंने बुलाया आपको, इन्होंने बताया कि आपसे शादी कर रही है। या मोहब्बत करते हो आप इनसे? ऑफ कोर्स। तो हाथ मिलाओ। मैं भी मोहब्बत करता हूं इनसे। एक्सक्यूज मी, शायद आपको पता नहीं है कि ये मुझसे मोहब्बत करती है। आप अपनी बात करो, मोहब्बत करते हो तो बताओ मुझसे ज्यादा करते हो आप? वेट अ मिनट अमल, व्हाट गोइंग ऑन मैन? और ये कोई कैसे बता सकता है कि कौन किससे कितनी मोहब्बत करता है? मैं बता सकता हूं। 70 मुरब्बे हैं मेरे नाम, और मैं प्यार में इनको 70 मुरब्बे दे सकता हूं। 1200 भैंसे और खग्गा महल के कागज दे सकता हूं। सच बताऊं तो इनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। अब आप बताओ, आप इनको मोहब्बत में क्या दे सकते हो? डूड, आर यू फॉर रियल? इसकी शक्ल देख के लग रहा है ये आपको सिर्फ लारा ही दे सकता है। अब ये बीबो जी से पूछ लेना कि लारे को उर्दू में क्या कहते हैं। आखिरी मुलाकात का शुक्रिया। Who's Lara?
दे अधूरी, माना के है जरूरी जिंदगी में कोई आए, प्यार में काफिर हो जाए, दिल तो बेघर हो जाए, इश्क आए दर्द लाए, होंठों पे आए ना कैसे करें बयां हाले दिल यहां, वो पास आके से मुड़ता जाए जैसे बरसे बिना बादल तरसाए, ऐ दिल बता रे ढूंढता है क्या रे, थम जा जरा हाथों से ना जा, तू जो चला रे रास्ता नया रे, खोया जो तू होगा मेरा क्या, भी जाए कोई राजी जो खेले प्यार की बाजी, जीत के भी हार जाए, खेल है ये दीवानों का बेचारे नादानों का, कौन ऐसी राह जाए ना जा ख्यालों में उलझे सवालों में, यूं ना दिल लगा कैसा नशा है जो चढ़ता जाए, ये बेखुदी का आलम बढ़ता जाए, ऐ दिल बता रे ढूंढता है क्या रे, थम जा जरा हाथों से ना जा, तू जो चला रे रास्ता नया रे, खोया जो तू होगा मेरा क्या, ऐ दिल बता रे ढूंढता है क्या रे, हेलो खाना खाओ। Do you love me? ये पूछने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया, व्हाट्सएप पे पूछनी तो भी जवाब दे देता। बताओ ना, Do you love me? बेब Of course I love you. कितना? यहाँ करके बताओ। You're not understanding it. What's up? क्या हो गया? वो मुच्छड़ समझता क्या है अपने आप को? अपनी वो भैंसे और मुरब्बे मेरे नाम कर देगा और मैं उससे इम्प्रेस हो जाऊंगी। That's typical Pakistani mentality, by the way. मैं उसे कोई ऐसा जवाब देना चाहती हूँ कि वो। Honey, saying no to his proposal was the best answer. मतलब वो खड़े खड़े अपना सब कुछ मुझे देने को तैयार है, उसे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि उसे मैं चाहिए हूँ। How stupid is that? Very. Who does that, यार? What can you do for me, वासे? What? तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो बताओ ना। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? I can love you more. Our togetherness. तुम्हारी ज्यादा केयर। वेट अ मिनट, ये तुम मेरे साथ कौन बनेगा करोड़पति क्यों खेल रही हो? मैं उसे ये प्रूफ करना चाहती हूँ व्हाट यू कैन डू फॉर मी, यू नो कुछ ऐसा के। एक मिनट, तुम्हारा वो लंदन वाला अपार्टमेंट था ना, वो तो मेरे नाम कर दो। व्हाट? बेबी, मेरे पास वो एक लंदन वाला अपार्टमेंट ही तो है, मेरी सारी जिंदगी की मेहनत, वो मेरा हो या तुम्हारा हो बात तो एक ही है ना। हाउ टिपिकल ऑफ यू, तुम सेल्फ मेड हो आई अंडरस्टैंड बट थोड़े सेल्फिश भी। तुम अपना वो चंद पाउंड्स का अपार्टमेंट मेरे नाम नहीं कर सकते, मुझे क्या संभालोगे? एक्सक्यूज मी, यू आर कॉलिंग मी सेल्फिश? बाय द वे, यू आर बिहेविंग लाइक अ टिपिकल एशियन गर्ल राइट नाउ। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारा अपार्टमेंट चाहिए इसलिए कह रही हो ये सब कुछ? मेरे पास तुम्हारा कुछ तो हो उस खग्गा पैलेस के टक्कर पर जो मैं उसके सामने फ्लॉन्ट कर सकूं। Are you mad? Yes. And I thought people in love are mad. हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था।
तुम्हारे जमाने में तो पीटीवी के अलावा भी कुछ नहीं होता था। वेट, होल्ड ऑन, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझसे किस तरह बात कर रही हो? यू नीड अ प्रूफ ऑफ माई लव फॉर यू, यानी अगर सिर्फ मैं अपना अपार्टमेंट तुम्हारे नाम कर दूंगा तो तुम्हें मुझ पर यकीन आ जाएगा। यू हैव कंप्लीटली चेंज्ड अमित, यू आर अ डिफरेंट पर्सन नाउ। पांच पांच की लग गई, ये रो पड़ेगी। यू आर इंसल्टिंग माई इमोशन फॉर यू। रिलैक्स, आई एम सॉरी, आई नो दैट यू लव मी, बट कैन यू गिव मी दैट अपार्टमेंट? I don't believe this. And by the way, for your information, mera wo apartment chand pounds ka nahi hai. It's for 3,85,900 pounds. Come on. Ooh. Shush. And you know what, Amal? I think you deserve that bhais wala. I knew it. बीबो जी, मियाँ जी को बता दें मैं फवाद खग्गा से शादी करने के लिए तैयार हूं।
24/7 लक हिलना 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 मेरा 24/7 लक हिलना 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 मेरा 24/7 लक लक ओ तू है सोनी बड़ी की करा फिर भी दिल है दिल जिस पे आवे ओनू छड़िया ना जावे ऐसे वादे सभी लगे ऊंचे अभी जो कोई ना निभावे खैर अपनी मनावे ओ चल छड़ थोड़ा नच साड़ी अखियां नु जच काला टिक्का तो लगा ले बुरी नजरा तो बच तू झूठ बोलिया सच बोल मैं जो करना मैं करना है दुनिया भूल के झूल झूल के 24/7 ओ मेरा 24/7 लक हिलना 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 मेरा 24/7 लक हिलना 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 मेरा 24/7 लक तेरा 24/7 लक हिलना 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 तेरा 24/7 लक हिलना 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 मेरा 24/7 लक 24/7 लक थैंक यू एक कप चाय मिलेगी हाँ जरूर रक्षंदा जा जाके कौसर से क्या अच्छी सी दूध पत्ती भेजे अच्छा वो कहाँ है हवेली की छत पर वहाँ क्या कर रहे हैं नाइट पेचे रखे ने जी नाइट पेचे ऐ भी नहीं पता अपने दोस्तों के साथ बैठ के शराबे पी रहा है गुड क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन बट द आंसर इज दिस कराची की लड़कियां यू डोंट नो दिमाग मदूद तलीम ज्यादा पहली बार तो इनकार कर देती हैं ताकि मर्द को थल्ले लगा के रखा जाए हाय 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 इनकार किया तो मुझे लगा वो तो गई पर मैंने भी फिर एमए पॉलिटिकल साइंस का इस्तेमाल किया और मैंने कहा जाती कौन शहजादी इधर आ फड़ 70 मुरब्बे 1200 पैसे हवेली के कागज ते चल फैसलाबाद सब कुछ भाभी के नाम कर दिया चौधरी साहब चलो लो कर लो बात और नाम नहीं किया बेवकूफा लारा दिया उसको सेंटिमेंट्स में फंसा के मार दिए चल पैर पकड़ के माफी मांग माफ कर दो अब्बा जी खोते दे पुत्र चपेड़ ना खा ली बीबो जी के पैर पकड़ के माफी मांग उठ बीबो जी माफ कर तूने सेंटिमेंट्स में फंसाकर मार दिया लड़की को
70 मुरब्बे और खग्गा महल का लारा देखकर कहा चल फैसलाबाद। झूठ बोला बीबो जी, एक एक बात झूठ कही। दोस्तों के सामने चौधरी बनकर दिखा रहा था। चौधरी बनकर सुहाग रात को शराब पी है तूने? शराब पी नहीं बीबो जी, पिलाई गई थी। तेरी जब शादी अमल से हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने लाडले को दस्तूर की बेटी से ब्याह दिया, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तू लाडला नहीं, सिर्फ फवाद खग्गा दामाद है हमारा। नहीं बीबो जी, बस मैं लाडला हूं आपका। हाथ हटा और जमकर बता, इरादे क्या हैं तेरे? डर क्यों रहे हो दामाद साहब? ये बताओ, मुजरा सुनने कब जाओगे? रात किसके कोठे पर गुजारोगे? और जब बीवी उस रात का हिसाब मांगेगी तो उसके मुंह पर थप्पड़ कब मारोगे? गलती को गुनाह ना बनाओ बीबो जी, मौज में थोड़ी मस्ती हो गई, मस्ती में जरा गलती हो गई बीबो जी। आप बताओ ना दादाजी। मैं क्या बताऊं, मैं कोई शराब पीता हूं? पिया तो करते थे ना भाई साहब जी, और रंगीली बाई का मुजरा भी सुनते थे। हाँ जी। और याद है वो रात जब मर्दानगी जताने के लिए आपने जुलेखा भाभी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था? मैंने थप्पड़ मारा नहीं था जी, मेरा थप्पड़ फिसल गया था, मैंने आपको कई दफा बताया है। यही तो बता रही हूँ, ऐसी मर्दानगी कभी मत दिखाना दामाद साहब, वरना देखते रह जाओगे। ओए अब देख क्या रहे हो शराबी साहब, मेरी को होर फैल खुलवानी है? जाओ उसे जाके कन्विंस करो कि यह गलती तुम्हारी आखिरी गलती थी, और उसे ये भी बताओ कि खग्गो ने तमाम गंदी हरकतों से तौबा कर ली है, और उसे क्लियर करो कि मेरे दादा अबू शरीफ आदमी हैं। आपके गुस्से और आंसुओं का बस एक ही जवाब है मेरे पास, खुदा की कसम गलती हो गई मुझसे। हाथ छोड़िए। शफीक अहमद ने मना भी किया था कि ना पियो चौधरी साहब, शराब आपको सूट नहीं करती, पर मैं उस पे गुलजार की बातों में आ गया। उसने कहा जो शादी पे ना पिए वो खग्गा नहीं। हाथ छोड़िए खग्गा साहब। आपकी कसम मैं शराबी नहीं हूं। मैंने कहा हाथ छोड़िए। प्यार में सुना है एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते अमल। हाथ छोड़िए जनाब, आपसे कौन करेगा प्यार? प्यार के नाम पर लारा देते हो आप, सेंटिमेंट्स में फंसा के मार देते हो। मैं जो कभी रोई ना थी उसको रुला देते हो आप। रुलाया तो रो भी तो रहा हूं, गिल्टी फील कर रहा हूं बहुत, कसम से जो भी कहा वो दिल से नहीं कहा, पर कराची में जो भी कहा था दिल से कहा था। दिल की बात आप मत कीजिए खग्गा साहब, जहां दिल होते हैं वहां गिल्ट नहीं होता। इतनी बेतबारी है तो ले लो 70 मुरब्बे, खग्गा महल और डेरी अपने नाम करा लो, पर सबके सामने ऐसे जलील तो ना करो। रास्ता छोड़िए। रास्ता छोड़ दिया तो छत से कूद जाऊंगा। कूद गए तो मान लूंगी कि सच बोल रहे हो। ओके देन, बाय। Thank you.
जाने सारी खुदाई मैं तेरा हूँ शेदाई एक तू ही ना जाने माहिया ख्वाहिशों की दुहाई धड़कनों में समाई दिल तुझी को पहचाने माहिया खुशबू तेरी जहां ढूंढू तुझे वहां ना हो मेरी अखियों से दूर मेरे चन माहिया मैं तेरे नाल नाल रहना मैं तेरे नाल नाल रहना मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया मैं तेरे नाल नाल रहना मैं तेरे नाल नाल रहना मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया जब तुझे चांद देखे जमीन पर आन उतरे परी हो जैसे पानी की लहरों पे है जब तुझे चांद देखे जमीन पर आन उतरे परी हो जैसे पानी की लहरों पे तेरे कदम जहां ठहरे वही समा ना हो मेरी अखियों से दूर मेरे चन माहिया मैं तेरे नाल नाल रहना मैं तेरे नाल नाल रहना मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया मैं तेरे नाल नाल रहना मैं तेरे नाल नाल रहना मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया तू मेरे संग ऐसे बसंती रंग जैसे जुदा एक दूजे से होंगे हम कैसे हाय तू मेरे संग ऐसे बसंती रंग जैसे जुदा एक दूजे से होंगे हम कैसे सांसों के दरमियां तेरे सभी निशान ना हो मेरी अखियों से दूर मेरे चन माहिया मैं तेरे नाल नाल रहना मैं तेरे नाल नाल रहना मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया मैं तेरे नाल नाल रहना मैं तेरे नाल नाल रहना मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया मैं तेरे नाल नाल रहना मैं तेरे नाल नाल रहना मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया मैं तेरे नाल नाल रहना मैं तेरे नाल नाल रहना मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया सत्तर मुरब्बे
कहां से शुरू होते हैं और कहां पे खत्म? शुरू होते हैं बस, खत्म नहीं होते। नहीं तो कराची में मुरब्बे नहीं होते? होते ना, सेब का मुरब्बा, आम का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा। डांट कर रही है? ओ नहीं नहीं, मजाक कर रही है। हम हीर के मजार पर कब जाएंगे? हैं? अब नहीं जाना। अरे मिंट बाद, अरे अरे एड्डा ते फवाद फवाद नहीं सुनिया जिट्टा। अरे अरे बकरी का बच्चा, हाउ क्यूट। ओ अमल कम हियर कम हियर। ओ माय गॉड, आवाज देके रोको फवाद साहब, आगे से कोई कुत्ते का बच्चा भी निकल सकता है। ए कम हियर। ओए ओ अमल चलो डेयरी भी जाना है। देखो, देख रही हूँ, ये सब क्या है? ये बफलोज हैं अमल। और ये ढेर किस चीज का है? वो औरतें वहाँ क्या कर रही हैं? ये भैंसों का गोबर है, वो औरतें गोए थाप रही हैं। गोए मतलब फ्यूल मेड ऑफ गोबर। ओ माय गॉड, ये है आपका डेरी? यस। कौन सुपरवाइज करता है इसे? इसे अपना ओए शौकत अली ओए जी 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 ओए सामने आ। ये करता है, ये मैनेजर है और इसके नीचे 52 मुलाजम। आप मैनेजर हो यहाँ के? यस। भैंसों का ये हाल कर रखा है आपने? बड़ा ख्याल लगते हैं इनका, महीने बाद ला भी देते हैं, लेकिन ये जानवर लोग है ना, ये अपना ख्याल नहीं रखते। शराब। थैंक यू। कितना दूध देती हैं ये? तकरीबन रोजाना का 18,000 लीटर। 18,000 लीटर? हाँ। माँ बाप तो उन बच्चों को भी पालते हैं जो बदले में उनको कुछ नहीं देते, फिर भी उनको नहलाते हैं, उनको शैम्पू करते हैं, उनको खुशबू लगाते हैं। वो बेचारियां तो रोजाना के 18,000 लीटर दूध देती हैं फवाद, आपकी डेयरी का बिजनेस चलाती हैं, कमा कर देती हैं आपको। तो मैं क्या उनके बाल शैम्पू करवाऊं? शिट क्लीनिंग के लिए उनको नेपियां बांधूं, खुशबू लगाऊं? तो लोग कहेंगे खगों का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं रहा। 1,000 लीटर दूध के पैसे उन पर लगा देंगे तो उनकी जिंदगी सवर जाएगी। भैंसे दुआएं देंगी आपको फवाद। एक और सुन लो, भैंसे भी दुआएं देंगी। Never heard before, बाजी। इतना सिर्फ याद है कि फैसलाबाद में गांव था, ये जो लास्ट गांव था उन्होंने बताया कि यहाँ के चौधरी खागा साहब हैं। खागा याद है लेकिन नाम नहीं याद। Do you understand what I'm saying? कुछ समझ आ रहा है क्या? एक मिनट एक मिनट, रुक रुक, क्या हो गया? आई थिंक इट्स वासे, वन सेकेंड। वासे? Oh. What are you doing here? What a pleasant surprise! Look at you, princess! Wow! I just cannot believe you're here. Just out of the blue. आओ चलो मिलवाती हूँ सबसे. Oh please, यार smells bad. Come come. कहाँ? सामान ले आओ साथ. जप्पी? अल्लाह की कसम जप्पी. सिर्फ जप्पी. ओए लड़के को देखते ही भाभी गाड़ी से बाहर निकली. वो पहचान के हैरान हुई. फिर खुश हुई और फिर जिस बात ही हो गई। ओए आगे बोल। ओ भागे लड़के को हग कर लिया। हग कर लिया। और जप्फी डाल ली यार। ओ फवाद कग्गे के सामने? ओ बिल्कुल सामने। ओ सामने खड़ा ऐसे देख रहा था और जैसे कोई अंग्रेजी फिल्म देख रहा हो। डूड, ये तो मैं मानता हूँ मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है, बट योर फैमिली टेक्स इट टू सीरियसली। ये लुक एट माय पेट यार, इट्स बिकम अ पतीला। I'm sorry, Amal. किस बात के लिए? यार, I know मैंने तुम्हें hurt किया and for so many other things. I behaved like a at night. तुम्हारी situation समझ नहीं पाया और आज देखो,
I lost such a beautiful life partner. Yeah. But you still have your friend, don't you? Huh? Hell yeah. And it will always remain like that. Do you remember Champs-Élysées Paris? Yeah, it was gorgeous. Do you remember that girl? Which one? जब भी बड़े जोर की डालती हैं, देखने वाले को भी महसूस होती है। जब भी? कौन सी जब भी? वही जो अपने फ्रेंड को डाली थी गले लगकर। लंदन में फ्रेंड्स एक दूसरे को जफियां डालते रहते हैं। तो फिर शादी क्यों नहीं की? बेचारे को रिफ्यूज क्यों कर दिया? तो वो क्या करती? मुझ पर दिल आ गया था उसका। ले जब भी इतनी स्ट्रॉन्ग, रिलेशन इतना वीक। You remember? Yeah. Okay, auntie. जीते रहो। अब दोबारा चक्कर लगे तो जरूर आना। Sure. जीते रहो। अपना ख्याल रखना। तुम भी, okay? बाय बाय। तेज हवा चल रही है। हाँ बिजली चमक रही है। हाँ देख रही हूँ। बादल भी गरज रहे हैं। क्यों डर लग रहा है आपको? नहीं मुझे तो अच्छा लग रहा है। आपको डर नहीं लग रहा? नहीं मुझे भी अच्छा लग रहा है। अच्छा हमाद खग्गा नाम रखा है उसका। किसका? अपने बेटे का। आप तब से ये सोच रहे हैं? या और मैं पता है क्या सोच रही हूं? मेहताब डेरी नाम रखूंगी उसका। किसका? खग्गा डेरी का। और किसका? तबेले से डेरी बनाना है मैंने उसे। एक मिनट मैं मियां जी से बात करके आती हूं। हाँ डेरी के लिए ब्रांड न्यू प्लांट इंपोर्ट करूंगी। पूरी बिल्डिंग को रेनोवेट करवाऊंगी। भैंसों की देखभाल के लिए डॉक्टर भी रखूंगी मियाँ जी। और क्या बता ना लाडली और क्या? और मियाँ जी कराची लाहौर और फैसलाबाद में डेरी के ऑफिसेस खोलूंगी। ह्यूज ऑफिसेस। गुड। तू चेक बना। तू क्या मुंह देख रहा है? अब्बा जी अमाउंट लिखने वाली रह गई है। लिखो लिखो जल्दी से। 30 मिलियन ओनली। यार ये 3 करोड़ के आगे भी ओनली लिखते हैं। ये कुछ मुनासिब नहीं लग रहा दादाजी। अब खग्गों की औरतें डेरियां चलाया करेंगी। तो पुत्र पहले मटरंटी होम चलाती हैं। फिटे मुंह। लंदन का इकोनॉमिक्स पढ़ के आई है। क्या बैठ के तेरे पैर दबाया करेगी? ओए तू क्या एक्सप्रेशन दे रहा है? चेक डिलीवर कर। तैयार है दे रहा हूँ। क्या हो इधर दो जल्दी से। जी ये लीजिए। हैव योर चेक प्लीज। थैंक यू मियाँ जी। आई लव यू। पैर भी दबा दिया करूंगी। फिर से बना दे। सलाम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। वो जी ठेकेदार होर पैसे मांग रहा है। किस बात के? कल तो पैसे दिए उसको। लग गए जी। अब काम तो खत्म करना है ना।
ठीक है, करती हूँ मैं कुछ। देवी जी, आप नाश्ता नहीं करके जाएंगे? मुझे देर हो रही है, अम्मी से कहना कि मैं रास्ते से ले लूंगी नाश्ता। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच शाकिर साहब। जिस जदीद डेयरी फार्मिंग की आप कोशिश कर रही हैं, उसमें डेयरी एसोसिएशन आपके साथ है। इंशाल्लाह आपकी डेयरी बहुत तरक्की करेगी। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। फवाद, हमारा कॉन्ट्रैक्टर दो दिन से फोन नहीं उठा रहा। आप किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को जानते हैं? क्यों, आज बैंड जो मेरी याद आ गई, ये भी उनसे पूछ लेना था। दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड आइडिया। देखा बेटी, हमारी ने कमाल कर दिया है। अगर इस नलायक मैनेजर पे रहते तो और चंद सालों में भैंसों की बतखें बन जाती। और तोती कुर्ता ही पा पुत्र, हमें कोई फरंगी समझ के गोली ना मार जाए। आ जाओ यार, बहुत अच्छे बेटा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? You are smiling, but not smiling. No, no. I am actually smiling. I hate lies. आइए, आइए मियाँ जी। ये है मेहताब डेयरी के CEO का कमरा। वाह। और यहाँ बैठेंगे आपके फवाद साहब। यहाँ फवाद साहब नहीं, तुम बैठोगी लाडली। कुर्सी उसकी जो डिजर्व करता हो। बैठो बैठो बेटा। ओहो बैठो, मैं कह रहा हूं तुम्हें, बैठो बैठो बैठो। आ हाथ रखना बुरा लगा? Maybe. अमल की जब भी बुरी नहीं लगी? उधर जाऊं? हाँ। हमाद खग्गा नाम रखा था उसका। किसका? अपने बेटे का। और किसका? ना करें चौहान साहब। क्या ना करूं ए? क्या किया है मैंने? आपने छुपाया नहीं, भाभी मां बनने वाली है। और यू लिव इन फूल्स पैराडाइस ओए, तेरी भाभी कभी मां नहीं बनेगी। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि खाली बातचीत करने से बीवी मां नहीं बन सकती। यानी कि नो प्रोग्रेस। नो प्रोग्रेस तो हनीमून पर जाना चॉय साहब। हनीमून पर तू चलेगा मेरे साथ? ओ मैं क्यों चॉय साहब, भाभी को लेके जाए ना। टाइम नहीं है उसके पास।
शी हैज नो टाइम। तो टाइम लो ना, भाभी को अंग्रेजी में समझाओ या पंजाबी में बताओ कि शादी का कोई मकसद होता है। वो इस तरह के काम में उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या मतलब? गिव मी माई फोन प्लीज। हेलो तुर्ताना। हेल्प मी दुर्दाना। हेल्प कैसे करूं फुआत? मेरा दिल टूट गया है कसम।
तो दिल को कजन के दिल के साथ जोड़ लो, जुड़ जाएगा। तो जोड़ दूर दुर्दाना। It was long awaited for what? क्या हुआ फवाद, ठंड लग रही है? नहीं, डर लग रहा। वो आ तो नहीं जाएगी? वो आ गई है। सॉरी। अरे सॉरी किस बात का? जमीन पर दो सितारे मिल रहे हैं, नई मोहब्बत के इशारे मिल रहे हैं, आपको अपनी कजन के सहारे मिल रहे हैं, तो फिर डर किस बात का है फवाद खगा साहब? इसे गले से लगाइए और मुझे गले से उतारिए। अमल, खुदा पाक की कसम, मैं बस ये... अमल, अमल, तूने बताया ना? यार बनके यार को धोखा दिया तूने। लानत हो तुझ पर। लानत तो आप पर भी हो चौहान साहब, आपने तो प्यार को धोखा दिया है। भाभी के पीछे जाओ तो आपको पता चलेगा, प्यार में धोखे की सजा एक चपेड़नी होती। अब जाऊं के और मारोगे? Excuse me. छत पे बैठी है, रो रही है, ऊपर आसमान रो रहा है और नीचे बीबो जी की लाडली। Let me explain you today's tragedy. In fact, वो जफ्फी, वो वाली जफ्फी नहीं थी। It was like you hugged your friend. Stay away from that, please. Stay away! बहुत गुस्सा आ गया आपको? मतलब कि आप अपने फ्रेंड को हग करो तो ठीक, मैं अपनी कजन को टच करूं तो गलत? आप भी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करो ना। चलो नीचे। एक कदम आगे मत बढ़ा। ये मेरी गलती थी कि मैं तुमसे शादी करते पर मान गई, और ये बीबो जी की गलती थी कि वो मोहब्बत में जबान और कल्चर को नहीं मानती, वरना मैं तो जानती थी कि पंजाबी फ्यूडल का एक बीवी से गुजारा नहीं होता। बहुत गलत जानती हैं आप। डोंट यू नो, दादाजी की भी एक बीवी थी, अब्बा जी की भी एक है, और मैंने भी दुर्दाना को अगर जफ्फी डाल ली तो कौन सा वो मेरी बीवी बन गई? अरे नहीं बनी तो आप बना लो ना। दादाजी मुझे देखते थे, अब्बा जी दो नंबर औरतों के साथ चैटिंग करते हैं, तो तुम कुछ नया कर लो, शादी कर लो दुर्दाना से। अमल प्लीज, यू आर एक्सीडिंग योर लिमिट्स। लिमिट्स माई फुट।
और कोई दोस्त मत दिखाना मुझे। मैं वो लड़की नहीं हूं जिसको तुम डराओगे तो डर जाएगी या तुम्हारी मोहब्बत में मर जाएगी। मैं वो हूं जो वफा करोगे तो वफा करूंगी और दखा करोगे तो दखा करूंगी। दगा करोगी तो क्या करोगी? तलाक लूंगी तुमसे और डंके की चोट पर लूंगी। और ये जो तुम्हारी मूछें है ना फवाद खग्गा, इसे उतार कर तुम्हारी हथेली पर रख दूंगी। चुप! ओ चपेड़ मार दियो कमीने ने। ले जाइए। आगे वाटी कितने? रोटी कितने? रोटी खिलाओ अम्मी जी, भूख लगी है मुझे। कमीनिया तुझे भूख लगी है? वो चपेट खा के कराची चली गई है। गई है तो आ जाएगी अम्मी जी। जहाज जाता है तो वापस भी आता है। और ये वट्टी वट्टी करके सिर पे ना चढ़ाओ उसे, वरना मूंछ उतार के मेरी हथेली पे रख देगी। जालिमा, मैं बीबो जी को क्या जवाब दूंगी? बीबो जी को मैं बताऊंगा कि ये लंदन नहीं है, यहां बीवी को चपेड़ भी मार देते हैं। काश। बीबो जी डर रही है मुझसे। अब कितने दिन मुझे घूर घूर के देखते रहोगे? What's my fault? उस दिन सॉरी बोलने गया था ना उसको, फिर उसने सॉरी सुनने से पहले दादाजी के मुजरों और अब्बा जी के लफड़ों का ताना दे दिया। मुझे गुस्सा आ गया पर मैंने चपेट नहीं मारी। Then she said, तलाक लूंगी तुमसे। मुझे मजीद गुस्सा आ गया, मैंने फिर भी चपेट नहीं मारी। बट वेन शी सेड तुम्हारी ये मूंछ उतार के तुम्हारी हथेली पे रख दूंगी फफात खग्गा, तो मार दी मैंने चपेड़। मैं कंट्रोल नहीं कर सका दादाजी। उस दिन बेटा जी आपका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं था। आप सिर्फ ये बताओ कि दुर्दाना क्या लगती है आपकी? अब्बा जी आपको नहीं पता कि दुर्दाना मेरी कजन लगती है? तो उसको ये क्यों कहा था कि हेल्प में दुर्दाना? चलो ये भी पता लग गया आपको, तो आप ही बताओ मैं क्या करता। बीवी के पास शौहर के लिए टाइम ही नहीं है। बीवी ऑफिस जाती है, मीटिंगें करती है, वक्त से पहले थक जाती है, शौहर के कमरे में पहुंचने से पहले सो जाती है, तो क्या करेगा शौहर? करेगा ना कोई गलत काम? तेराक ओके, माय फॉल्ट। अगर मैंने जज्बात में दुर्दाना से कह दिया है कि हेल्प मी दुर्दाना, तो उसने कौन सा मेरी हेल्प कर दी? हेलो, अब दुर्दाना से ही मांगा कर हेल्प। चल मिलाओ उसे फोन, कह उसे हेल्प मी दुर्दाना। इतनी सी चपेड़ का रौला ही बना दिया उसने, और सब कह रहे हैं चपेड़ मार दी।
और कोई ये क्यों नहीं पूछता कि चपेड़ मारी क्यों थी। ओए, ओ बाला मरासी याद है? जी जॉय सर। ओ मार मार के अपनी बीवी को पान देता था वो, लेकिन जब आवाज दे के कहता था ओए रखी, वो आगे से कहती थी जी बाला जी। जी। ओ खग्गों से तो मरासी अच्छे हैं यार, नोट कर जरा, उसने अपने फ्रेंड को हक किया तो नो प्रॉब्लम, मैंने अपनी कजन को हक कर लिया तो प्रॉब्लम हो गया। आपने हक नहीं किया था चौई साहब, आपने जफ्फी डाली थी, और जफ्फी में नीयत ठीक नहीं होती। ऊपर से आपने कह दिया हेल्प मी दुर्दाना। दुर्दाना? हेलो दुर्दाना। मैंने सुना है अमल उस समल से नाराज होके कराची चली गई है। चली नहीं गई, पहुंच गई। ले, इतनी सी बात पे घर छोड़ के चली गई है। तुम बताओ दुर्दाना, अगर तुम मेरी बीवी होती और मैं तुम्हारे मुंह पे चपेड़ मारता तो तुम क्या करती? हाय, मैं तो कहती वंस मोर। ओ सुना है शफीक अहमद, दुर्दाना कहती वंस मोर। तुम्हारे मम्मी बाबा तो डर गए हैं, उनका ख्याल है कि तुम अब पंजाब नहीं जाओगी। जी बीबो जी, अब मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। वो तो ठीक है, ये कमीना मर्द की खाल ओढ़कर भेड़िये जैसा सलूक करेगा तो उसके साथ यही कुछ होगा। और तुम भी डटी रहना लाडली, नाक भी रगड़े ना तो मानना मत। नहीं मानूंगी। और ये भाई साहब को देखो, न फोन उठा रहे हैं न फोन कर रहे हैं। वैसे फोन करके कहेंगे भी क्या, सारे प्यार के लाड के संभाल कर रखने के दावे तो मिट्टी में मिला दिए। नहीं बीबो जी, उनके सारे दावे सच्चे थे, झूठा वही था कमीना, शराब पीकर दुर्दाना से चिपका हुआ था और बोल रहा था हेल्प मी दुर्दाना, और मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी बीबो जी। मनाने आएगा तो देखना क्या हाल करूंगी उसका, उसने बीबो जी का प्यार देखा, गुस्सा नहीं, न बात करूंगी न गले से लगाऊंगी, और माफी मांगेगा तो पूरे थप्पड़ का हिसाब लूंगी। नहीं बीबो जी, हिसाब उससे कोई नहीं मांगेगा, मैं उससे तलाक मांगूंगी। अमल। बस बीबो जी, मैं आपका हुक्म पूरा कराई हूँ, पंजाब से हो आई हूँ, अब नहीं जाऊंगी। लेकिन अमल। बस ना बीबो जी, आप 100 साल पुरानी मोहब्बत से डरती हैं, इतने पुराने खुदा से क्यों नहीं डरती? बुराई माफ कर दी थी, बेवफाई माफ नहीं करूंगी। एक्सक्यूज मी बाबा जी। मसला पड़ गया बाबा जी, दम कर दो या तवीज दे दो मुझे। मसला बता। छोटी सी बेवफाई हो गई है मुझसे।
गैर इरादी तौर पे। अब पछता रहा हूं, छोड़कर कराची चली गई, तलाक मांग ली उसने। फिर सबर कर। सबर कैसे करूं बाबा जी, मोहब्बत करता हूं उससे, उसके बगैर रह नहीं सकता। दम कर दो तो उसके पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा। इश्क में शिर्क और मोहब्बत में बेवफाई की माफी नहीं होती पुत्र। जा। चला था राजा, हस्ती भी दी गवा, खुद ही बना लुटेरा और मैं लुटा। बनने चला था राजा, हस्ती भी दी गवा, खुद ही बना लुटेरा और मैं लुटा। मेरी राह बनी है रेगजार में दर्द का बंजारा, मैं अश्क अश्क डूबा हूँ यार तेरी याद ने है मारा। ना समझी का है रोग लगा, कुछ तो समझा दो हीर जी, मुझे राजा बना दो हीर जी, मुझे राजा बना दो, मुझे राजा बना दो हीर जी, मुझे राजा बना दो। कोई दर्स पढ़ा दो हीर जी, कोई रमज सिखा दो हीर जी, मुझे राजा बना दो हीर जी, मुझे राजा बना दो, मुझे राजा बना दो हीर जी, मुझे राजा बना दो। भटक रही है सीने में, सांसें अटक रही है, अपने बदन से बेघर हुआ हूँ, रूह की रासें झलक रही है, दिल में कोई फांस लगी रहती है, आंख अंधेरा है, कांटों की डगर अनजान शहर हम दर्द न मेरा है। एक रात न डाला है डेरा, कोई सहर दिखा दो हीर जी, मुझे राजा बना दो हीर जी, मुझे राजा बना दो, मुझे राजा बना दो हीर जी, मुझे राजा बना दो।
अस्सलामुअलैकुम भाभी। बस एक आखिरी बार बीपो जी, माफ कर दें या मेरी जान ले लें। जान तेरी जान से ज्यादा प्यारी है लाडले, तुम माफी की बात कर, बता तुझे माफी क्यों दी जाए। गलती कर बैठा हूं बीबो जी, शर्मिंदा हूं बहुत। तुम गलती भी करो तो कैसी मजे की बातें करते हो। वो क्या कहा था तुमने अपनी कजन से लिपट कर? हेल्प मी दुर्दाना। समझे नहीं कि मोहब्बत में दूसरी लड़की से हेल्प नहीं मांगा करते? इसलिए तो माफी मांग रहा हूं बीबो जी। इसीलिए वो तलाक मांग रही है तुमसे। तुमने गुनाह किया पर हमने तलाक के मामले में तुम्हारा दिफा किया। तुम उसको जानते नहीं हो बेटा, जब वो छोटी थी तो हम उसकी शरारत करने से नहीं डरते थे, उसके फैसला करने से डर जाते थे। और अब वो फैसला कर चुकी है, तुम उससे माफी मांगोगे, वो तुमसे तलाक मांगेगी। आज वो तलाक मांग रही है, कल वो उससे वसूल करने कोर्ट भी चली जाएगी। बात वकीलों तक पहुंची तो जिरा का सारा कीचड़ उछलकर हमारे मुंह पर आ गिरेगा। तुमसे एक रिक्वेस्ट है बेटा कि इन 100 सालों की दोस्ती पर कीचड़ ना गिरने पाए। आप सब लोगों ने मिलकर यह फैसला कर लिया है कि मैं उसे तलाक दे दूं, तो सुन लीजिए आप, तलाक नहीं होगी। तलाक नहीं होगी बीबो जी, क्योंकि मोहब्बत में तलाक नहीं होती। मोहब्बत में वो गुनाह भी नहीं होता बेटा जिसकी पादाश में आज तुम इस मकाम पे खड़े हो। बस मैं आपके पास एक दलील लेके आया हूं। गुनाह किया था मैंने, पर गुनाह करने का इरादा नहीं किया था। बुरा हूं मैं, पर नीयत बुरी नहीं थी मेरी। मुझे धुतकार दीजिए बीबो जी, पर ये ना समझिए कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। वो तो ठीक है लाडले, पर मोहब्बत जताने के लिए अब तेरे पास मोहलत नहीं है। तुम अब पलट कर फैसला बात जाओ और भाई साहब से कहो हमसे बस मोहब्बत निभाई गई, रिश्तेदारी हमसे निभाई नहीं गई। एक मिनट बीबो जी, एक बार मुझे उससे बात करने दें। किससे करोगे बात? वो तो चली गई। कहाँ गई है? आज वासे की बर्थडे है, बर्थडे पर गई है वो। आज हम तुम यहाँ कल कहाँ, सितम करके तू चलता है कहाँ, आज की रात है इम्तिहान। छोड़ो ये बहाना क्या कहे जमाना, सुन ले मेरे यार, मौसम है दीवाना, चल मेरी जाने जाना, कर ले अब तू प्यार। कैसा नशा है प्यारे, दिन में दिखे हैं तारे, झूमे आसमां, घुल मिल गए हैं सारे, जो रूठा वो यारे, हम हैं जवान। Hey baby,
बेबी टेक इट स्लो, ना मैं तेरी मम्मा ना तेरा प्यो, छोकरी बोले मुझे रोमियो, आई जस्ट वांना डांस रियल स्लो, ये पार्टी नहीं है धरना है, मैंने तेरे साथ कुछ करना है, थोड़ा जोर लगा के कमर हिला के आज सारी दुनिया से लड़ना है, अजी मीठा पान स्वीट गैलेक्सी, चल कहीं दूर चला लेके टैक्सी, व्हाट्सएप कर मुझे अपनी लोकेशन, डोंट वांना पुट यू इन एन ऑड सिचुएशन, खींच मेरी फोटो कर ले ट्वीट, बेस्ट फ्रेंड बोले तेरी पार्टी करे जैसे कल नहीं होनी, हैशटैग बोले तो यू आर सो कॉर्नी, कैसा नशा है प्यारे, दिन में दिखे हैं तारे, झूमे आसमां, घुल मिल गए हैं सारे, जो रूठा वो यारे, हम हैं जवान, हम आज ऐसे झूम ले दुनिया भूल के, आसमां को चूम ले ये रात ना थमे, हो हम आज ऐसे झूम ले दुनिया भूल के, आसमां को चूम ले ये रात ना थमे, सुर से सुर मिलाना, डीजे प्ले दैट गाना, छोड़ो इंतजार, बोले ये दीवाना, मस्ती में मस्त हो जाना, कर ले एतबार, कैसा नशा है प्यारे, दिन में दिखे हैं तारे, झूमे आसमां, घुल मिल गए हैं सारे, जो रूठा वो यारे, हम इससे ज्यादा मत गिरो अमल, वरना मैं संभाल नहीं पाऊंगा। गिरने वाला गिरे हुए को क्या संभालेगा? गिरकर उठाऊं तो पता चला कोई गिर रहा हो तो देखकर शर्म आती है। आप सब लोग क्या देख रहे हैं? Go ahead, enjoy the party. ये साहब अभी अभी गिरकर उठे तो इन्हें लग रहा है कि जो इनके सर पर लगी थी वो किसी के दिल पर लगी है। तो हां, लगी थी दिल पर, लेकिन इस दिल की लगी को हमने दिल लगी में उड़ा दिया। म्यूजिक, चलो वहां से डांस करते हैं। आओ अमल, घर चलते हैं। हाथ छोड़ो मेरा, वरना वासे से कहूंगी हेल्प मी वासे। हेल्प ना मांगना जाने मन। और तुम लोग भी सुन लो, कोई इसकी हेल्प करने की कोशिश ना करना प्लीज, वरना बहुत मारूंगा उसे। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ सकता, माफी मांगने आया हूं तुमसे अमल। माफी? माय फुट, कोई है जो इसके हाथ से मेरा हाथ छुड़ाए? हाँ बोलो, कोई है जो मेरे हाथ से इसका हाथ छुड़ाए? हाथ छोड़िए फवाद साहब, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। ओए, आप पे तो गुस्सा ही बड़ा है जनाब। ओ कंट्रोल भाई साहब, ओ ये मर्द बनने के लिए अच्छा वक्त नहीं है।
तू कुछ सोच रहा? जी चौधरी साहब, मैं कल रात से यही सोच रहा हूं कि मैं क्यों वलात में बंद हूं। मैंने क्या किया था? रिपोर्ट में लिखा है कि तूने मेरी हेल्प की थी। आ जाओ। दादाजी। हार्ट माई सन हार्ट। बीबो जी को पता चल गया कि दादा पोते की कारस्तानियां सुन के उसके साथ जफियां डालता रहा है, तो वो मुझसे कहेंगी कि भाई साहब आपका फिटे मुंह। ओ ये तो कुड़ी के चक्कर में पकड़ा गया, तुम कुकड़ी चोरी करते पकड़े गए हो। मैंने हेल्प की थी चौधरी साहब। हेल्प कर रहा था। दादाजी हम कहाँ हैं? इसके खतने करवाने आए हैं, वकील के पास आए हैं। फॉलो मी। शफीक पुत्र तुम गाड़ी में ही तशरीफ रखो। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सिट डाउन। ये मैंने खुद ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, प्लीज गो थ्रू दिस। ओ जी ड्राफ्ट तो दोनों ने गो थ्रू करना है वकील साहब, हम तो विटनेस पार्टी हैं। ड्राफ्ट किस चीज का? ये क्या हो रहा है? अमल दस्तूर अहमद आपसे तलाक चाहती है। चाहती है तो चाहती रहे, मैं नहीं दूंगा तलाक। कोर्ट इज नॉट कंसर्न्ड। तलाक तो फिर भी हो जाएगी। शी हैज सफिशिएंट ग्राउंड्स टू प्रूव हर केस। बट आई हैव सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रूव दैट शी इज रॉन्ग। इत्थे रख। तो आप कोर्ट में केस फाइट करेंगे? आप फाइट की बात क्यों कर रहे हैं वकील साहब? दस्तूर अंकल जितनी उम्र है आपकी, आप इसे समझाते क्यों नहीं? इतनी सी बात पे ये मुझसे तलाक मांग रही है और मैं इससे माफी मांग रहा हूं। समझाने की जिम्मेदारी तो बुजुर्गों की है, और ये दोनों भी यही चाहते हैं कि ये मामला यही बैठ कर तय हो जाए, वरना कोर्ट में वकीलों की जरा में बहुत खाक उड़ेगी और आपके सर पर पड़ेगी। तो मामला तय करने का मतलब है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं? ऑब्वियसली। फिर ऑब्वियसली मैं तलाक नहीं दूंगा। देखें बीबो जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, पर इस केस में आप भी पार्टी बन जाओगे तो मैं आपसे भी लड़ूंगा। अमल को तलाक नहीं दूंगा। तो फिर कोर्ट में मुलाकात होगी। पत्थर की औरत हो तुम, दिल पत्थर का, आंखें पत्थर की, मुंह से जो बोलती हो वो बातें पत्थर की। पर मैंने भी पत्थर पूजने का फैसला कर लिया है अमल दस्तूर अहमद। पत्थर से सर टकराऊंगा पर हार के वापस नहीं जाऊंगा। सिगरेट क्यों पी रहे हो दादाजी? ज्यादा गम में एक आधी सिगरेट पी लेता हूं, पर तू सिगरेट को छोड़ और मेरी बात को समझ मेरा पुत्र। देख तेरी स्टोरी में अब कहानी कोई नहीं रही, समझो कि वाइंड अप हो चुका है, नहीं तो कोर्ट में हो जाएगा। और कोर्ट में जिस तरह के इल्जाम लगने हैं, जिस तरह की जेरा होनी है,
तलाक हो ही जानी है मेरा पुत्र, और अगर हो ही जानी है तो दोनों खानदानों को अदालत की कुर्सियों पे ना बिठा। तो आप भी उनके साथ मिल गए हो? उनमें से एक भी नहीं है पुत्र जी जो तेरे खिलाफ हो, बस एक वही है जो तुम्हारे हक में नहीं है। मेरे अब्बा जी कहा करते थे, मोहब्बत में औरत से कोई जीता नहीं है और नफरत में औरत को कोई हरा नहीं सका। इसलिए पुत्र जी नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश ना करो, उसे तलाक दो और वापस जाओ। तलाक मैं नहीं दूंगा दादाजी। तो ना दो, वो बैग उठा के वापस जाओ, खुद ही तलाक हो जाएगी। वो तलाक की बात करते हुए आपको डर नहीं लगता? आपके दिल को कुछ नहीं होता? होता है बेटा जी, मगर जब याद आता है ना कि जरूरत के वक्त तुम दुर्दाना से हेल्प मांग लेते हो तो फिर कुछ नहीं होता। दादाजी खुदा का वास्ता है, भूल जाए दुर्दाना को। भूल जाएंगे? जब तलाक हो गई तो उसे किसी ने याद भी नहीं रखना, मगर मुजरम सामने हो तो जुर्म याद आता ही है। सच बताऊं तुझे, तुमने दुर्दाना से हेल्प मांग के हम सबको हेल्पलेस कर दिया है। मगर मैं हेल्पलेस नहीं हूं दादाजी, मैं उसकी नफरत से टकरा जाऊंगा और अब मैं किसी से हेल्प नहीं मांगूंगा, आपसे भी नहीं। जल्दी से सैलेड लेके आ जाओ, फिर खाना खाते हैं। बस अमल कहाँ है? अब आप लोग मेरा मुंह ना देखें, बताएं अमल कहाँ है? मैं अब आप लोगों का कुछ नहीं लगता? अब वो मुझसे तलाक मांगेगी तो आप भी मुझसे तलाक ले लोगे? उसने कहा तो था कि अब कोर्ट में मिलेंगे, तो अब वहीं मिलेगी वो। नहीं बीबो जी, ये तो अब मैं डिसाइड करूंगा कि हम कहां मिलेंगे। छत पर गई है, फोन पर बात कर रही है किसी से। आज तुम्हें आखिरी मौका देती हूं, छत से लौट कर आओ तो बता कर जाना। मुलाकात का वक्त और वेन्यू तुमने डिसाइड किया। कुछ नहीं, बस एक ही रट थी उसकी, तलाक नहीं दूंगा। तो मैंने भी कहा कि ठीक है, फिर होती है कोर्ट में मुलाकात। He's here. कौन? फुआद खागा? या यहां क्यों आया? पूछती हूँ। तुम्हें ऊपर किसने आने दिया? पहले फोन बंद करो फिर बताता हूँ। बीबो जी, बीबो जी नहीं बताया कि तुम छत पर हो? क्यों आए हो तुम यहाँ? तुमसे कहने आया हूँ कि मैं तुमसे लड़ने के लिए कोर्ट नहीं जाऊंगा। आई डोंट गिव अ डैम। शर्तों पर बात कर लेते हैं। तुम सिंपल खेलो ना, मेहरबानी करो मुझ पे, तलाक दो और घर जाओ। तुम घर आओ तो मैं घर जाऊं। तुम डॉक्टर के पास जाओ प्लीज, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। छत से कूद जाऊं? जानती हूं कूद जाओगे। तुम नहीं जानती, पिछली बार ये देखकर कूदा था कि नीचे चरपाई पड़ी है। आई नो यू आर अ चीट, पर मैं जरा दूसरी तरह की हूं, कभी किसी को धोखा नहीं देती और धोखा देने वाले को माफ नहीं करती। अम्मी अब्बा जी ने तो कभी धोखा नहीं दिया तुम्हें। दादाजी तुम्हारी वजह से सिगरेट पीने लग गए, उनको नहीं चीट कर रही तुम? उनसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। तुम नहीं आओगी तो डेयरी बर्बाद हो जाएगी। मैं चली जाऊंगी तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें आना पड़ेगा अमल। तो आजमा के देख लो, पंजाब अब कभी नहीं जाऊंगी। आजमाने नहीं आया, आजमाइश देने आया। तुम अब भी बैठ गए हो? बैठा नहीं हूं मैं, थक गया हूं।
हाँ वासे, ही स्टिल हियर, सामने बैठा है। तुमसे तलाक लूंगी तो वासे से शादी करूंगी, आई होप यू नो दैट। क्या हुआ? बहुत बुरा लग रहा है? बस यही एक बुराई है तलाक के इवेंट में, लड़की आपके हाथ से निकलकर किसी और के हाथ में चली जाती है। शुरू शुरू में जलन होती है, लेकिन फिर मिल जाती है कोई अपने टाइप की। सिंपल खेलूंगा तो मान जाओगी? चलो देता हूं तलाक, पर तलाक दूंगा पूरे गांव के सामने, उन सब लोगों के दरमियान जिनकी आंखों के सामने तुम्हें ब्याह के लाया था। वैसे ही गांव सजेगा, वैसे ही इनविटेशन दूंगा, वही कपड़े पहनूंगा और वैसे ही दुल्हन बनाऊंगा तुम्हें आखिरी बार। फिर तुम्हारी कसम, सारे गांव के सामने तलाक के पेपर साइन करूंगा। बोलो मंजूर है? नो, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? तो जिस दिन कोर्ट से तलाक होगी उसी दिन आओगी पंजाब। मैं मरूंगा तो आना पड़ेगा ना तुम्हें। मारने आया मुझे? आ, मार। तू आवासे, तुझे कुछ नहीं कहूंगा मैं। सुनो, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। थैंक यू। क्यों हो रही है? बता। फुआद ना किसी लड़की के साथ पकड़ा गया था। हाँ, लड़की कौन थी? हाँ, एड्डी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड, ये नहीं बताऊंगी।
आप सब लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अजीब लग रहा होगा, अपनी अमल को तलाक देने के वक्त मैंने आप सब लोगों को शादी के दिन की तरह इनवाइट किया है, पर मैंने सोचा जिस तरह खुशी मनाई थी उस तरह अपने गम को भी सेलिब्रेट करूंगा। आपने देखा होगा अभी 5 मिनट पहले गाने भी चल रहे थे, कईयों की शक्ल देख के लग रहा है कि उनको तलाक की वजह नहीं मालूम, पर दुख तो मालूम है। इसलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि तलाक कहीं भी हो तलाक की वजह ना पूछा करो, देने वाले का दुख महसूस किया करो। एक तारे वाले बाबा जी ने कहा था कि इश्क में शिर्क और मोहब्बत में बेवफाई की माफी नहीं होती। थोड़ी सी बेवफाई की थी मैंने, मेरी बीवी ने मुझे माफ नहीं किया, पर अब मैं सोचता हूं सबक सिखाया मुझे और मैं ये सबक आप सब लोगों को पढ़ा रहा हूं। मोहब्बत रोजे की तरह होती है, बेवफाई से टूट जाता है रोजा, मोहब्बत में बस एक चुनते बाकी सारा जान रहने देते। पर मुझसे गलती हो गई, उसकी सजा मिल रही है आज मुझे। सॉरी दादाजी, सॉरी बीबो जी, 100 साल पुरानी मोहब्बतों को एक पल में बर्बाद कर दिया मैंने। आप दोनों को मुझ पे तरस आ जाए तो मुझे माफ कर देना। अम्मी जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लुकिंग गॉर्जियस। थैंक्स। अपने हाथों से पहन दो मुझे। सहन कितने करने ने छुपी क्या मत, रहन दे मिल के। रोटी खोल दे शफीक अहमद। लग गए नहीं सी दर्द अंज दे चिंज दे तुला गया, रोई नहीं सी अख कदी पर तू रुला गया। चंगा फिर दोस्ता, चंगा फिर दोस्ता, चंगा फिर रब रखा तेरा, चंगा फिर रब राखा तेरा, चंगा फिर रब राखा तेरा। अपनी सुनाकर चल दिए फवाद खग्गा साहब, हमारी नहीं सुनोगे? एक तारे वाले बाबा जी ठीक कहते हैं, इश्क में शिर्क और मोहब्बत में बेवफाई की माफी नहीं होती। और बेवफाई में जितनी सजा भी दी जाए काफी नहीं होती।
लेकिन आज मुझे लगा कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है, वो वाली मोहब्बत जिसमें रोजा रखना पड़ता है। बहुत प्यार करती हूं तुमसे, लेकिन बेवफाई की पूरी सजा दी है मैंने। मैं यहां से जाने के लिए नहीं आई, अगर मैं जाऊंगी तो मेरा रोजा टूट जाएगा। और सुनो फवाद खग्गा, ये तलाक नहीं जिस पर साइन करके गए हो आप, ये वादा है। कसम खाई है आपने कि आज के बाद इतनी मोहब्बत करोगे जितनी कभी किसी ने नहीं की, करोगे ना? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, एंड द आंसर इज यस। लगा ले उसे अंग अंग ना जाना तू परदेस रे, लगा ले उसे अंग अंग ना जाना तू परदेस रे, लगा ले उसे अंग अंग ना जाना तू परदेस रे, लगा ले उसे अंग अंग ना जाना तू परदेस रे। जाने सारी खुदाई मैं तेरा हूँ शेदाई, एक तू ही ना जाने माहिया, ख्वाहिशों की दुहाई धड़कनों में समाई, दिल तुझी को पहचाने माहिया, खुशबू तेरी जहां ढूंढू तुझे वहां, ना हो मेरी अखियों से दूर मेरे चन माहिया, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना तू मेरे संग ऐसे बसंती रंग जैसे, जुदा एक दूजे से होंगे हम कैसे है, तू मेरे संग ऐसे बसंती रंग जैसे, जुदा एक दूजे से होंगे हम कैसे, सांसों के दरमियां तेरे सभी निशान, ना हो मेरी अखियों से दूर मेरे चन माहिया, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल